चिंता मत कीजिए, हम इसका भी हल निकाल लेंगे बेटे। पीएम मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने से पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर अपनी बौखलाहट जाहिर की। अफरीदी की इस तिलमिलाहट पर क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। अपने दौर में आक्रामक शैली के बल्लेबाज रहे गौतम गंभीर ने अफरीदी को ट्विटर पर रिप्लाई करते हुए कहा, उन्हें आईना दिखाया और उन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की याद दिलाई। साथ ही गंभीर ने अफरीदी को यह भी बता दिया कि चिंता मत करो बेटे, हम उसका भी हल निकाल लेंगे। इस मौके पर गंभीर ने अपने ही अंदाज में अफरीदी को बेटा भी कहा। भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा के उसे मिला स्पेशल स्टेटस हटाया तो पाकिस्तान के इस पर पूर्व क्रिकेटर ने ट्वीट करते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाए और अमेरिका से मदद की आस लगाई थी। अफरीदी के इस अफसोसजनक ट्वीट पर क्रिकेटर बिरादरी से गौतम गंभीर ने करारा जवाब दिया। गंभीर ने अफरीदी को टैग करते हुए लिखा, दोस्तों शाहिद अफरीदी बिल्कुल ठीक हैं, वहां पर अनुत्तेजित आक्रामकता और उसके बाद वहां मानवता के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, वह यह मामला सामने लाए इसलिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। गंभीर ने इस वाक्य के आगे तालियां बजाते हुए इमोजी लिखी और उसके बाद उन्होंने आगे लिखा, बस वह इसमें एक बात लिखना भूल गए, वह यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहा है। चिंता मत कीजिए, हम इसका भी हल निकाल लेंगे बेटे। बता दें, इससे पहले अफरीदी ने उसमें ट्वीट लिखा था, कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। आज़ादी का अधिकार जो हम सभी को है, संयुक्त राष्ट्र की रचना क्यों की गई है और यह क्यों सो रहा है। कश्मीर में लगातार जो मानवता विरोधी अनुत्तेजित आक्रामकता और अपराध हो रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति को इस मामले में जरूरी रूप से मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। अब देखना होगा कि इस पर अफरीदी का क्या जवाब आता है और इस तरीके से गंभीर ने अफरीदी को बेटा कहा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। हर्ष की रिपोर्ट।